मैं बिना किसी तासीर बिना किसी लंबे इंतजार के प्रोग्राम शुरू करता हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा और बोले बुलंदबा से, या रसूल अल्लाह जुल्मते क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कदर तो तारीखियां बतलाएंगी। जुल्मते क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कदर तो तारीखियां बतलाएंगी। और क्या है पर्दा, क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा, क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। और बात पर्दे की आ गई है तो एक शेर और सुन लीजिए, शब्बीर के मकसद की निगहबान है जैनब। ये कौन जैनब है, करबला का वाकया आप हजरात अपने जहन में रखे, शेर सुने, शब्बीर के मकसद की निगहबान है जैनब, हर दौर में फतेह का ऐलान है जैनब। शब्बीर के मकसद की निगहबान है जैनब, हर दौर में फतेह का ऐलान है जैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये तुम्हारी चादर ही का एहसान है जैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये तुम्हारी चादर ही का एहसान है जैनब, ये तुम्हारी चादर ही का एहसान है जैनब। एक शेर और पढ़ता हूँ, बड़ा कीमती शेर है। उलमाई करम की दुआएं चाहता हूँ, आप हजरात की सुभान अल्लाह बोल सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं बड़े मोहब्बतों के साथ गुजारिश करता हूँ उलमाई करम की कि मुझे दुआओं से नवाजे। एक शेर और पढ़ता हूँ, पूरा मनमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथों को उठा करके बोला, या रसूल अल्लाह। शेर सुने, बड़ा कीमती शेर है कि वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं। हमारा ताल्लुक है जनाब उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। बहुत हमारा ताल्लुक है जनाब उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, और मिजाज़े मौसम का, मिजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। मिजाज़े वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। आप अजीब लोग हैं जो खामोश बैठे हैं, अरे नबी का नाम सुनकर के तो पत्थर पिघलने लगता है, नबी का नाम सुनकर तो पत्थर पिघलने लगता है। आइए, मैं चाहता हूँ बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, बेहतरीन शानदार शायर को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ।